ये लगभग 2001 के आसपास की बात है। उस समय दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए धम्म का सहारा लिया और उसने अनाउंसमेंट किया कि 10 लाख लोग धमकी दिखा लेंगे। कहीं पढ़ लिया होगा उसने पढ़ते पढ़ते कि बाबा साहब ने 10 लाख लोगों की धमकी दिखा दी, तो 10 लाख ही उसने डिक्लेयर कर दिए बिना किसी जमीन पर बनाए प्रोग्राम के। चूंकि जो मेरे पिता हैं उन्होंने जो यात्रा अपनी आरंभ की है वो 1956 के बाद से आरंभ की है, तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ इस आदमी को साथ रहो क्योंकि इसे धम्म नहीं आता और जब तक ये धम्म का कार्यक्रम ना हो तब तक लोगों को सही तरह से बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में बताओ जाके। तो हम अपना सारा काम धाम छोड़ के उस व्यक्ति के साथ में लग गए और धम्म का जो रथ निकला, जो धम्म की जो यात्रा थी उसमें 24 घंटे साथ रहे। उस समय एक भंते होते थे, भंते राहुल करके, बुद्ध प्रिय राहुल था उनका नाम, वो बिहार के भंते थे और बहुत जबरदस्त थे। उनकी जो कला थी बड़ी जबरदस्त थी, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर समझदार बहुत थे। परिवार भी था उनका मगर वो परिवार छोड़ के भिक्खू बन गए थे। तो रथ बनाया उन्होंने जुगाड़बाजी से करके और वो रथ पे चलते थे। वो कार्यक्रम तो जैसे हुआ वैसे हुआ हो गया क्योंकि उसमें बड़ी सारी अड़चन आई क्योंकि वो व्यक्ति ना समझ था। उसने आनंद फानंद में सरकार के विरोध में कई सारी बातें कह दी जिससे कि वो कार्यक्रम की जगह वगैरह लास्ट मोमेंट पे वहाँ से हटी, कुछ लोग इधर उधर भागे भूगे। वो फिर अंबेडकर भवन पे कार्यक्रम हो गया, हुआ कुछ ऐसा ही, कोई खास मजा नहीं आया क्योंकि धम्म का कार्यक्रम शांति से होना चाहिए, धम्म का कार्यक्रम किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं है। खैर, मगर वो जो भंते थे वो जगह जगह पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में, पूरे जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ जाते थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई भिक्खू जो हैं इनको पूरी तरह से धम्म नहीं आता और उसकी आलोचना करने लगे जो किताबें पढ़ते हैं। तो किताब पढ़ने वाले को बोलते हैं परियत्ति और जो रथ पे घूमता है उसको बोलते हैं पटिपत्ति। यानी कि जो सैद्धांतिक है वो तो किताब पढ़ने वाला है और जो व्यवहारिक है उसे बोलते हैं पटिपत्ति। तो जो भिक्खू थे वो पटिपत्ति में माहिर थे, पाली के शब्द दोनों, एग्जीक्यूशन में माहिर थे, व्यवहार में माहिर थे। तो जब कई बार ऐसे विद्वान जो सिर्फ किताब पढ़ के आते थे तो चर्चा का विषय होता था तो हमसे कहते थे आप इनके साथ रहें, आप इनको समझाइए। तो मैं उनको कहता था कि उनकी समझ आपसे ज्यादा है, वो वहां जा रहे हैं जहां लोग बुद्ध का नाम भी नहीं जानते, वो ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां लोग बुद्ध का फोटो भी नहीं जानते, वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे किसी ने बुद्ध के बारे में सुना ही नहीं, बेशक वो बुद्ध के वंशज रहे हैं। और इस काम को आप नहीं कर सकते, आप ड्राइंग रूम में बैठ के अट्ट सीन मार पे, एट फोल्ड पाथ पे, जो सील समाधि प्रज्ञा है उस पे चर्चा कर सकते हैं, बुद्धि विलास कर सकते हैं, मगर आप अपने गांव भी नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए। आप अपने गांव में जाइए और वहां पे अष्टांगिक मार्ग को पढ़ाइए तो समझ में आएगा आपको कि भंते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऐसा ही एक दिक्कत आई है, कुछ जो लोग हैं वो घर घर जाके बुद्ध वंदना करें बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, 8-10 लोग हैं, गुरुजी हैं वो, तो वो 8-10 गुरुजी जब जगह जगह जाके बुद्ध वंदना करते हैं तो कई जो परियत्ति वाले लोग हैं जो ऐसे हैं जो अपने आप को विद्वान मानते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं वो उनसे हिलक जाते हैं, कहते हैं कि जी ये शब्द ऐसे नहीं है, ये शब्द ऐसे नहीं है, ये शब्द ऐसे नहीं है। दरअसल कुछ शब्द उसमें पाली के होते हैं, कुछ उसमें संस्कृत भाषा के होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं, कुछ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो वो अपना विद्वत्ता झाड़ते हैं और उनको बीच बीच में रोक के सबके सामने ऐसा शो करते हैं हम ज्यादा जानते हैं, जो सामने पढ़ा रहे हैं ये ज्यादा नहीं जानते। अरे भाई, अगर आप ज्यादा जानते हो तो आपको पढ़ाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, मगर अगर आप सामने पढ़ाने वाले को बीच में रोक कर सबके सामने आपकी विद्वत्ता बताना चाहते हो और आप ये समझाना चाहते हो कि देखो हमें ये पता है नहीं पता है, तो आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, आप पढ़े लिखे अव्वल दर्जे के गधे हो, आपको इतना सेंस नहीं है, इतना नहीं है कि अगर कुछ सामने वाले को बताना है तो वो आप ही का परिवार का है, आप ही के घर का है, आप ही का भाई है, वो मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को आपको अगर सलाम ना कर सको तो कम से कम गाली तो मत दो। और आपको अपनी विद्वत्ता ही कहनी है तो उसे फोन करके बता दो, अलग से बता दो, और बेहतर तो ये होगा कि आपको खुद ही लोगों को समझाना चाहिए अगर आपको इतनी समझ है। कोई व्यक्ति जिसने खाली बुद्ध का नाम सीखा और वो किसी को ये जाके ये बताता है कि देखो बुद्ध का नाम मैं आज सीख के आया और ये बुद्ध का नाम है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है जो बुद्ध की पूरी किताब पढ़ के सो रहा है घर पे या किसी को जलील करने के लिए बुद्ध की किताब के बारे में बताता है। यानी मैंने बुद्ध की किताब पढ़ी और मैं आपको जलील करने के लिए कुछ बताऊं तो मैं सबसे नालायक आदमी हूं। तो ऐसे नालायक भरे पड़े हैं जो बुद्धि विलास करने के लिए, खासतौर से मैं उनको या तो डॉक्टर घंटा बोलता हूं और या उनको आधा बुद्धिजीवी बोलता हूं, तो आधे बुद्धिजीवी ऐसे बहुत ज्यादा हैं।
वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है जो कम पढ़ा लिखा है या सुन के पढ़ा रहा है, यानी कि अगर कोई मेरी वीडियो देख के और किसी को धम्म बता रहा है या पढ़ा रहा है तो उस व्यक्ति से 100 गुने से ज्यादा अच्छा है जो किताबें पढ़ पढ़कर घर में बैठा हुआ है, और उस नालायक से तो बिल्कुल ही अच्छा है जो किताबें पढ़ पढ़ के उसके काम को रोक रहा है। ऐसे व्यक्तियों को बंद कमरे में लेके जाना चाहिए जो भरी सभा में किसी टीचर को या किसी पढ़ाने वाले को परेशान करते हैं, और अंदर बंद कमरे में ले जाना चाहिए और एक मोटा कंबल रखना चाहिए, उस कंबल को उस व्यक्ति को ऊपर डालना चाहिए और फिर उसके ऊपर धमधम कूदना चाहिए और फिर उसको धम सिखाना चाहिए वही कंबल में धमधम करते हुए कि धम ऐसा है। ये नालायक लोग हैं। भगवान बुद्ध ने कितनी बार कहा है कि कोई 1000 गाथा याद करके बुद्धि विलास करता हो उससे बेहतर है कि कोई 1 गाथा की प्रैक्टिस करता हो, कोई 1 गाथा जानता हो और उसका अभ्यास करता हो वो उससे अच्छा है। कई बार ऐसी घटना हुई है, कई भिक्षुओं ने पूरा का पूरा प्रयत्न रट के पूरा पूरा सिद्धांत रट के जो भगवान बुद्ध ने देशना दी है और भिक्षुओं पर वो अपनी बुद्धिमत्ता झाड़ते थे, उनको कई बार फटकारा है भगवान बुद्ध ने, कई बार उनको समझाया है, कई बार उनको डांटा भी है। तो आप कृपया करके ऐसे जो लोग हैं, आपको अगर धम्म बढ़ाना है और आप बाबा साहब के अनुयायी हैं और मानते हैं कि बाबा साहब का कर्ज उतारना है, तो कम से कम लोगों को पढ़ाएं, और अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखें, आपको समझ में नहीं आता है तो उठ के चले जाएं, और अगर बुद्धि विलास करना है तो अपने घर में जाएं, अपनी शीशे के आगे खड़े हो जाएं और शीशे के आगे खड़े होकर अपनी बुद्धि झाड़ें। वहां पर बहुत तरीके हैं, आप अपना वीडियो बना सकते हैं, आप अपना ऑडियो बना सकते हैं, उससे लोगों की सेवा कर सकते हैं, मगर बराए मेहरबानी के आप किसी भी टीचर या किसी भी गुरु के काम को ना रोकें, चाहे वो उस समय गलत बता रहा है चाहे वो उस समय सही बता रहा है। आप में समझ है तो बाद में बोलिए, वो ठीक कर लेगा, उसको कोई जिद नहीं है, कोई गलत बताने का शौक नहीं है, अगर वो बता रहा है तो सही बता रहा है, मगर जानकारी आते आते आती है, माँ के पेट से कोई सीख नहीं आता, भगवान बुद्ध भी माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही सीखे हैं सब, ये जो टीचर हैं बड़ी मुश्किल से टीचर बने हैं, अपना सारा काम छोड़ते हैं, अपनी तफरी छोड़ते हैं, अपना पैसा छोड़ते हैं तब टीचर बनते हैं। इनको आप अगर डीमोलाइज करेंगे तो जमाना आपका दुश्मन हो जाएगा, लोग आपको कंबल डाल के धूमधाम करेंगे आपके ऊपर, सावधान रहिएगा। और ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, जो लोग बीच में रास्ते को रोकते हैं उनको बताइए कौन कौन लोग हैं, ताकि लोग उनसे सावधान रहें, उनको सभा में ना बुलाएं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.